प्रयागराज क्षेत्र के लोकनाथ चौराहा पर एक सराय मीर खामी, अजय केसरवानी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष शेख जावेद के नेतृत्व में नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया जोनल कार्यालय का उद्घाटन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि फाउंडर चेयरमैन श्री डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र कुमार पांडे, राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षक प्रमुख पंडित सीताराम विश्वकर्मा, लीगल एडवाइजर जे एन मिश्रा, विवेक मिश्रा, शारदा प्रसाद पटेल, अवधेश केसरवानी, सैयद असदुल्ला आदि सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रयागराज से सतीश सोनकर की रिपोर्ट। आइए 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 आइए
शिक्षा प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र पांडे जी, राष्ट्रीय पेंशन पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष जावेद जी, नरेश तिवारी जी एवं चुनाव मंडला अध्यक्ष रमेश शुक्ला जी, लोकसभा अध्यक्ष वसीम नाइक जी, उपस्थित पत्रकार मंडल और इस प्रयागराज के व्यापारी प्रकोष्ठ प्रयागराजन जी को एवं जिला अध्यक्ष नीरज कुमार झा मनोकार को समस्त पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में उपस्थित करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत के शासन को इस कार्यालय के माध्यम से जो कि जोन का कार्यालय है, इस कार्यालय के माध्यम से विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार अत्याचार के निवारण में एक बड़ा लाभ मिलेगा। तो जो भ्रष्टाचार रूपी जीवाणु है, कैंसर है, इस कैंसर को ठीक करने के लिए हम आपको सर ये आज नेशनल एंटी करप्शन जो ऑपरेशन कमेटी द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया का ये जिला कार्यालय का कार्यालय के उद्घाटन में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं जिनके साथ उत्पीड़न होता है, भ्रष्टाचार अत्याचार होता है, मानव के अधिकारों का उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए लोगों की समस्याओं को प्रार्थना पत्र लेने के लिए जो कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम, अगर आपके संस्था में कोई पीड़ित शख्स आता है तो उसके लिए क्या कोई फीस या कोई ऐसे रखा गया है? नहीं, हमारे संस्था में जो भी शिकायत पत्र दर्ज होती है वो निशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं है। और अगर पत्राचार जो भी शिकायत दर्ज होती है उन शिकायत के निस्तारण के लिए जो भी रजिस्टर्ड खर्च है वो सीधे हमारा शिकायतकर्ता को तो जिम्मेदारी दे दी जाती है, वो उस खर्च को स्वयं। अब अपना परिचय दें सर। डॉक्टर राजेश शुक्ला, संस्थापक चेयरमैन, नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी। सर ये नेशनल एंटी करप्शन जो आपका संस्था है इसमें आपने कब से ज्वाइन किया है और इसका कार्य करने का क्या रोल है, उद्देश्य है? विगत 10 वर्षों से सक्रिय रहा, सदस्य तो उसके पहले भी रहा लेकिन केवल सदस्यता में आता जाता रहा, लेकिन अब 10 साल से मैं पूरी तरह से इसमें लग गया हूँ। जहाँ भी प्रदेश में, चाहे दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होता है हम उसको निष्ठा के साथ काम करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुक्ला जी का सहयोग प्रदान करते हैं। ये आज कार्यक्रम जहाँ रखा गया है किनके नेतृत्व में रखा गया और कहाँ पर रखा गया? ये तो लोकनाथ में रखा हुआ है, अजय केसरवानी जावेद जी के सहयोग से उद्घाटन किया जा रहा है और साथ ही साथ ये हमारे जुझारू कम्युनिस्ट पदाधिकारी हैं और हम चाहेंगे कि ये यहाँ का किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसकी सूचना तुरंत देंगे और पूरा सहयोग। आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर देवेंद्र
प्रमुख का राष्ट्रीय अध्यक्ष।